अंडा बंडा काहे झूठ बोलती हो, सही का नहीं बतावती हो हर बात है। कहते तोरे भैया तकलवा छिलवा लिए तो भी कहा थी उनकी जो है चप्पल मारब और बतिया पूरा कहने बतावती हूँ है। दोस्तों ये बोली है, इसका पति बोला है कि टकलवा छिलवाए हैं मुड़िया डाल के हल जाए। तो जब इसका पति ऐसे बोलेगा तो कोई चप्पल नहीं मारेगा इसको है। अरे वो तो चप्पल ही मारने के लिए बोला, और कोई होता ना तो पता नहीं क्या कर देता। शर्म नहीं आ रहा है किसी महिला को इससे इतने गंदे तरीके से बोलेगा तू तो तुझे कोई छोड़ देगा? तेरे पास ही जुबान है, तेरे पास ही दिमाग है, बहुत दिमाग लगाता है ना, अपने आप को सिंगर बताता है। अरे सिंगर छोड़ दे, क्या बोले हम अपने मुंह से, तेरे जैसे गंदे नहीं है तो जो मुंह में आया अक्का बक्का सब बक दे उल्टा पुल्टा। कि तेरे बीबी के मुंह में जुबान नहीं है, नहीं जीत पाती है हा? अपनी बीबी से बोला कर, बोले जवाब दिया करे। तू भी घुस जाता है बीच में, जेंट्स लोग को लगा देता है, दर्पण मंडारी के पीछे लगा दिया, जेंट्स को उतार दिया, ऐसे ऐसे करेगा, कोई दूध देने वाली बोलेगा, कोई जान पे बैठाएगा, दर्पण मंडारी डर जाएगी हा? भैंसिया बोलेगा, बिहार की भैंसिया, दिल्ली की भैंसिया, पहाड़ की भैंसिया, सब डर जाएंगे। दिमाग से निकाल दे, डरने वाला कोई नहीं, तू दाना खाता तो दाना सब खाते हैं, समझा? थोड़ा सोच समझ के बोला कर, और किसी को आप शब्द बोलने से पहले सोच लिया कर कि बर्दाश्त करने की क्षमता है कि नहीं है। क्षमता अगर अपने अंदर है तब किसी को टारगेट किया करो, करवाया कर। और रही बात जो तू हमेशा गोरखपुरिया भाभी को टारगेट करती, बीच में कुछ दिन बंद था, फिर तेरा एक वीडियो में आ गया गोरखपुरिया भाभी के, जो नाम सिर्फ नहीं लिए लेकिन तेरा इशारा उधर ही है। क्या समझती है? कोई समझेगा नहीं, कोई समझता नहीं है। जब जब तू गोरखपुरिया भाभी को टारगेट करेगी तब तब हम लोग उतरेंगे, समझ लेना इतना। और किसी को अब शब्द बोलने से पहले सोच लिया कर, तेरे पास ही जुबान नहीं है, सबके पास जुबान है, समझी? और समझा, दोनों को बोल रही हूँ। दोस्तों अब आइए, नमस्ते प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद अच्छे होंगे, जहाँ भी ससुर मित्र अपने काम में व्यस्त रहे। दोस्तों हम बात करते हैं इंदु गौर की। इंदु गौर को 1.5 महीना से टारगेट किया जा रहा था लाइव में, अब शब्द बोला जा रहा था, गाली गलौज दिया जा रहा था, वीडियो के जरिए से टारगेट किया जा रहा था। इंदु गौर चुप थी, जवाब नहीं दे रही थी। वो लाइव आती थी तो उसमें भी आकर के लोग कमेंट करते थे, परेशान करते थे, तो वो हाइड कर देती थी। जो कि एक कंट्रोवर्सी हुआ था, वही इंदु गौर है, वही ज्योति है जो डट कर मुकाबला किए थे और लड़े थे, साथ दिए थे, आज वही लोग इंदु गौर को टारगेट कर रहे हैं। खैर इंदु गौर तो समझ गई है, समझदार है, पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब इंदु गौर को टारगेट किया जा रहा था तब सब कहाँ थे, तब वीडियो क्यों नहीं बन रहा था? इंदु गौर 2 वीडियो बना दी, बस सबको मिर्ची लग गई हा? गाली जब उधर से मिल रहा है तब कोई नहीं बोल रहा है, और इंदु गौर जवाब दे दी तो उसका सब लोग वीडियो बनाए। इंदु गौर क्या बोली है? लिट्टी चोखा खाने वाली तो बोली थी, कोई गलत शब्द तो नहीं बोली थी? इंदु गौर लिट्टी चोखा ही खाने के लिए बोली थी, कोई गलत शब्द नहीं? अब उधर से कुत्ता का गू खाने वाला बोलती है, उसके बाद में कुत्ता का गोश्त खाने वाली बोलती है, क्या इंदु गौर कुत्ता का गोश्त खाती है? बोलती है 10 घर में बर्तन मांजती है, लग रहा है? अरे शकल से लग जाता है इंसान का कि वो कैसे है, लगता है इंदु गौर 10 घर बर्तन मांजती होगी हा? तब किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? इंदु गौर बोल देती तो सब लोग आ गए टारगेट करने के लिए। तो यही हम बोलेंगे, बहनी हो, दीदी, काकी, जो कोई भी हो, सब लोग को बोल रहे हैं कि अगर बोलो तो सोच समझ के बोलो, किसी को ऐसे मत बोलो जो कोई मजबूर हो जाए जवाब देने पे, ठीक? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी आ गई, नहीं हम आए नहीं है, YouTube पे हम देख रहे हैं, हम भी YouTube पर ही हैं, देख रहे हैं, किसी को इतना भी ना गिराओ कि वो मजबूर हो जाए बोलने पे। 1.5 महीना से मजबूर किया गया था तब इंदु गौर वीडियो लेकर आई, तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, हम यही कहेंगे, और इंदु गौर का पीछा छोड़ो, अपने अपने कॉन्टेंट पर ध्यान दो, ठीक? बस इतना ही हम बोलेंगे, उससे आगे नहीं बोलेंगे। और ज्योति का वीडियो तो सुबह आया होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, हम भी देखे हैं, बहुत अच्छी बात की है ज्योति, तो ज्योति के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे और रिस्पेक्ट भी करते हैं अंदर से। दोस्तों अब बात करते हैं दर्पण भंडारी का।
दर्पण भंडारी का बात करते तो हमें बहुत मजा आता है। इस कदर के पीछे पड़ गए हैं, सोच रहे बहती गंगा में हाथ धोले, थोड़ा हम भी आ जाए भी थोड़ा दर्पण के नाम पे। हाँ, अरे महिला तो टारगेट करवाती थी, अब जेंट्स को भी उतार दी। वाह, वो हारने वाली नहीं है, दिमाग में ये बात रख लो, वो दर्पण भंडारी है, एक बिहारी सब पे भारी, फाड़ेगी पारी बारी, समझ गए ना। तो बस छोटा ही ब्लॉग लेकर आए हैं और शॉर्टकट में बात रखे हैं, तो समझ जाओ आप लोग, अभी भी समय है, अपने अपने कंटेंट पर ध्यान दो, किसी को टारगेट करना करवाना छोड़ दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये यूट्यूब पे घमासान ऐसे चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा, और जो भी देखते हैं बस बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं। हम जानते हैं कि सब आए हैं व्यूज ही कमाने, डॉलर ही कमाने, व्यूज कमाने ही आए हैं, हम भी इसीलिए ही आए हैं, हम भी इसीलिए, लेकिन किसी को गलत बोलने से पहले सोच लिया करो यार। अभी तो उसको बेचारी को इतना गंदा गंदा गाली दिया जा रहा था, उसके उसके वजह से वो मर गई, सोनू राजस्थानी की बात कर रहे, मैं नाम भी ले रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या सारा गलती यही लड़की का ही था, उसके पति का गलती नहीं था, बराबर के गलती दोनों का था, एक को गाली क्यों दिया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है एक को, तो गलती उसके पति का भी है, अगर गाली ही देना है तो दोनों को गाली दो, सिर्फ एक महिला को मत सताओ। और दोस्तों एक बात ये कहेंगे, महिला का दुश्मन महिला ही होती है, ये बात सही है, पति करा तो कुछ नहीं, और वो लड़की अगर कुछ कर दी तो वो दुनिया भर का गाली, क्या बताए क्या जमाना है। खैर सच क्या है झूठ क्या पब्लिक जान चुकी है, सब सच्चाई सबके सामने है, कुछ हम बोलेंगे नहीं इस पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, जय श्री राम। और मेरे वीडियो से किसी को अगर हर्ट हुआ होगा तो उसके लिए भी सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों वीडियो को रोकना पड़ा, फोन आ गया था इमरजेंसी, इसके लिए मेरे वीडियो से कोई हर्ट ना करना, कोई बुरा मत मानना, एक मैं अच्छे से वीडियो बनाई हूँ तो उम्मीद है कि आप लोग को बुरा नहीं लगा होगा, और ना लगना भी चाहिए, मैंने किसी को अपशब्द नहीं बोला। ठीक, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तो बाय बाय, जय श्री राम।